हमारे चैनल एवी रॉक्स टीम तुर्किश प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है इस्तानबुल वर्सेस ट्रैबज़ोंस्पोर के बीच 1 घंटे 37 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो इस्तानबुल और ट्रैबज़ोंस्पोर में दोनों टीम्स हैं स्ट्रॉन्ग और दोनों टीम टॉप 5 में है रैंक के अंदर, और टॉप पे है TRB टीम तो और IBKS 4th नंबर में, मतलब टॉप 5 के अंदर है। सबसे पहले मैं बात करूँ जीतने की, तो पहले तो ये भूल जाओ कि ये जीत नहीं सकती। IBKS भी ये मैच जीत सकती है और TRB भी, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, सीधी सीधी बात है। किसी ऐसा नहीं कि किसी का पल्ला पहले से भारी, ऐसा नहीं है भाई ये मैच। आगे से अगर मैं बात करूँ गोलकीपर, सबसे पहले गोलकीपर की, देन वॉल्कन बेबाकैन को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। लेट्स सी कि वॉल्कन बेबाकैन कैसा खेलेगा, क्योंकि वॉल्कन बेबाकैन का खेलने का तरीका एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग खेलता है ये बंदा। लेकिन इस सीज़न बेचारा चल नहीं पाया, आप देख सकते हैं बेचारे को कुछ मतलब खास परफॉर्म ही नहीं कर पाया। गोल रुकते भी हैं तो खास नहीं, मतलब इवन बहुत ज़्यादा ईजी गोल्स रोक पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करें। एंड आगे से अगर बात करें डेंसविल की, देन यहाँ पर मैं लूँगा स्टीफेनो डेंसविल को। वैसे मेरे को लगा था इस मैच में क्रेडिट इशू आएगा, बट सारे मेरे तो सारे बड़े प्लेयर्स आ गए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस मैच में, ठीक है। एंड हुगो की बात करें, देन यहाँ पर है विटर हुगो को तो लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये टीम में शायद ना होता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती, बेशक खेलना चाहिए भाई। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं टीम देता हूँ ना, तो लाइनअप्स के बाद कल क्या हुआ कि मेरे 8 प्लेयर नहीं खेल रहे, मतलब इतना खराब स्क्वाड आया था कल। तो स्क्वाड के अनुसार और लाइनअप्स में फ़र्क होता है भाई, ज़मीन आसमान का। जो प्लेयर खेलेंगे पहले से किसी को नहीं पता होता, और अगर इंजरी वगैरह सबको पता होती हो, तो मेरे को पता है कि अगर इंजरी है तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। एंड आगे से अगर बात करूं, तो ब्रूनो पेरेस एकदम नॉर्मल प्लेयर है। ब्रूनो पेरेस कई बार से, मतलब पिछला बार मैच भी नहीं खेला था 30 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल के बाद जो मई में मैचेस हुए उसके अंदर एक आधे मैच में शायद दिखा होगा। तो इसलिए ब्रूनो पेरेस को भी अगर हम तब लेंगे अगर जब ये खेलेगा, मतलब विदाउट ऐसे मैं किसी भी प्लेयर को नहीं लेने वाला जो सब्स्टिट्यूशन पे हो। एंड आगे से अगर बात करें ट्रेजोगुट की, देन ट्रेजोगुट को जरूर ले लेना जरूर, क्योंकि ट्रेजोगुट को नहीं लोगे मुश्किल होगी आपको, क्योंकि ट्रेजोगुट एक मेन प्लेयर है। उसके बाद ट्रेजोगुट सबसे ज़्यादा गोल्स कर रहा है, ये अलग प्लेयर हो गया, मतलब जब तक ये दूसरी टीम में था, इस बार इसका चेंजेस हुए ना, जैसे सारे प्लेयर चेंज हो रहे हैं, तो जब तक ये पहले दूसरी टीम में था तब फ्लॉप था, लेकिन यहाँ पर उसको रिस्पेक्ट मिली, यहाँ पर इसको जगह मिली, अच्छी जगह मिली। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी क्रिकेटर को अगर आप मिडल ऑर्डर से सीधा ओपनर भेज दो, वो वाला काम हो गया इसके साथ। कहाँ ये बंदा इतना मतलब फ्लॉप हुआ करता था जल्दी सब्स्टिट्यूट, अब ये 90 मिनट पूरा भी खेलता और चलता भी है। एंड आगे से बात करें, एक प्लेयर है दौरखन, तो दौरखन पिछले मैच में था लेकिन मेरे को गोल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन आज मुझे जिससे गोल्स की एक्सपेक्टेशन है वो प्लेयर है ट्रेजोगुट। नीचे से प्लेयर है एक यहाँ से जिसका नाम है डेनिस, तो डेनिस वॉज डूइंग कॉन्टिन्यूसली गोल्स कर रहा है, एक के बाद एक गोल्स कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे को लेना ये प्लेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। आगे से अगर बात करें नवकैम की, देन एंथनी नवकैम को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। नवकैम की वापसी हो गई है अभी, जैसे आपको दिख रहा है कि 23 अप्रैल और 30 अप्रैल का पिछला मैच ही नहीं खेला था, बट खेला था, ये पिछला मैच खेला था, दिखाई दिया था पिछले मैच में, आपको क्लियर बता दूँ। सो इसको लेना ज़रूर लेना भाई, ठीक है, एंथनी नवकैम को अगर खेला। आगे से अगर बात करें स्ट्राइकर की, विस्का जो कि मैं, हम ना हर बार सोचते हैं कि वी हैव टू मेक कैप्टन, लेकिन क्या कैप्टन यार, मतलब मैं बंदा कैप्टन इसको रखे क्या, बंदा रखता है ये सब्स्टिट्यूट जल्दी हो जाता है, उसके बाद ये फ्लॉप चले जाता है, इसलिए भाई मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन टीम में ज़रूर लेना। एंड कॉर्नेलियस की बात करें, एंड्रिस कॉर्नेलियस, कई लोग कहते हैं पेनल्टी लेता है, अरे किसने कह दिया आपको, ये नवकैम की जगह पेनल्टी लेता है, कई बार जब नवकैम नहीं खेलता उसकी जगह पेनल्टी देता है, वरना ये पेनल्टी टेकर बहुत कम पेनल्टीज देता है वरना। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है ये प्लेयर फ्रेडरिक, देन यहाँ पर मैं फ्रेडरिक को लूँगा। लेट्स सी कि फ्रेडरिक कैसा खेलता है, बाकी आप फ्रेडरिक की जगह चाहें तो ये भी ले सकते हैं SOKAKA अगर खेला, बट तब तक के लिए यू हैव टू ट्रेक दिस प्लेयर। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, तो अभी अगर नवकैम खेला तो कैप्टन रहेगा, बाकी वाइस कैप्टन मेरा ट्रेजोगुट है, लेकिन अगर इफ़ यू वॉन्ट टू टेक रिस्क, अगर रिस्क नहीं सेफ जाना है सॉरी, तो कैप्टन कॉर्नेलियस को रख लो, वाइस कैप्टन सामने वाली टीम के प्लेयर को, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों साइड के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।